यूपी में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। बढ़ते तापमान से लोगों का हाल बेहाल है। लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं, तो बच्चे भी इस भीषण गर्मी में स्कूल जाने से बच रहे हैं, जिससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में बढ़ते तापमान से निजात दिलाने के लिए कन्नौज के एक स्कूल ने अनोखा कदम उठाया और क्लासरूम में ही बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनवा दिया और पंप के माध्यम से पूल को ठंडे पानी से भर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है बच्चे स्विमिंग पूल में खेलते दिख रहे हैं। सर, जैसे हीट वेव आने का जो निर्देश था मौसम विभाग से, तो बच्चों को बता रहे थे कि हम लोगों ने ठंडी चीज़ें पीनी है, पानी पीना है, अपने को बचा के रखना है, फुल आस्तीन के कपड़े पहनने, धूप में नहीं जाना है। तो ऐसे पढ़ाते हुए बच्चों को बताया कि शहरी लोग होते हैं वो कूलर पंखा एसी लगाते हैं और नहाने के लिए वहाँ जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं। तो एक प्रकरण आया स्विमिंग, तो बच्चों ने कहा सर स्विमिंग पूल कैसा होता, हम लोग कब देखेंगे। तो हम लोगों ने कहा सर कि जैसे बड़ा तालाब मान लीजिए वो कृत्रिम तौर से बनाया जाता है, हम लोगों के आसपास नदियाँ नहरें होती हैं। उन्होंने कहा सर हम लोग कैसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा अपने घर में बना सकते हैं आप, तो उसके लिए कह रहे सर स्कूल में हो सकता है। हमने हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। तो फिर उस पर चर्चा हुई सर, और हम लोगों ने कहा कि क्यों ना एक एक क्लास को स्विमिंग पूल में कृत्रिम रूप से स्विमिंग पूल बना दिया जाए, जिससे बच्चे जान सकें। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो नहा के नहीं आ रहे थे, तो जब सामूहिक रूप में कोई कार्य करते हैं तो बच्चों को उत्सुकता होती है, तो फिर वो भी इच्छुक हुए और साफ सफाई से विद्यालय आने लगे। बच्चों को कैसा लगा जब उसमें स्विमिंग पूल बनवाने? सर, बच्चे पहले तो थोड़ा सा झिझक रहे थे कि एक साथ इतने लोग कैसे नहाएंगे, लेकिन जब बच्चों के साथ में उन्होंने ये गतिविधियां की तो खूब इंजॉय किया सर। एक दूसरे पर पानी डाला, खूब मस्ती की, खूब तैरने की कोशिश की, और गांव के लोग जो थे सर उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये तो घर में नहलवा तब भी नहीं नहाता है, लेकिन यहाँ सर नहाया। और फिर दूसरे दिन ये स्थिति हुई कि बच्चे सर ये कह रहे थे कि सर आज भी ये क्रिया करवा दीजिए। गांव के लोगों ने कहा कि सर आप ऐसी कोशिश करिए कि शासन प्रशासन से कोई व्यवस्था बने या आप व्यक्तिगत तरीके से कि एक स्थायी तौर पर स्विमिंग पूल बना लिया जाए। आपने एक आम काम किया जी, लेकिन सोशल मीडिया पे आपका ये काम वायरल हो गया, जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। तो कभी सोचा था आपने कि ऐसा भी कुछ होगा? नहीं सर, हम लोग कभी नहीं सोचा। हम लोग नवाचार करते रहते हैं, वर्ष 2013 से हम लोग नई नई विधियां और नई नई तरीके ढूंढते रहते हैं कि किस प्रकार बच्चों को खेल खेल में बड़े सहज तरीके से उनको पढ़ाया जा सके, और बहुत प्रयास ऐसे कर चुके हैं। जैसे हम अपने ही बच्चों को जो लगातार आते हैं उनको हम टीचर और हेड टीचर बना चुके हैं, नल सीज फसल कर चुके हैं, तो इस तरह के प्रयोग करते रहे। लेकिन सर ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार इतना लाइक करेंगे लोग और इस तरह से लोगों तक ये पहुंचेगा। अच्छा, बच्चों को भी इसमें मजे मिले, एंजॉय किया? हाँ सर, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय हैं। उनके घर वालों का रिस्पांस आया कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, और कुछ ना कुछ जल्दी से व्यवस्था करिए, जुलाई तक ऐसा कुछ कर दीजिए कि हमारे पास स्थायी स्विमिंग पूल हो। और वो कह रहे हैं कि सप्ताह में या एक महीने में इस तरह का नो बैक डे करके बच्चों को इस तरह से अवसर दिए जाए। इस चिलचिलाती गर्मी में बच्चों के लिए उठाए गए इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है, और बच्चों को भी पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन करने का भी साधन मिल रहा है। आपको बता दें, इस कदम को उठाने से पहले स्कूल में छात्रों की मौजूदगी न के बराबर थी, लेकिन गर्मी से निजात दिलाने के लिए की गई इस पहल के बाद स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ गई है।